हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो लास्ट पोर्शन है वो है आपकी फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड से रिलेटेड। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड की ही हम बात कर रहे थे अभी तक इस टॉपिक में। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड का जो लास्ट पोर्शन है वो है आपकी पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब क्या है? एक तरीके का इक्विपमेंट है जो आपके फ्लो ऑफ फ्लूइड में ही यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ करते हैं इस बारे में देखेंगे। तो पिटोट ट्यूब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो आप देख रहे होंगे दो डायग्राम जो देख रहे होंगे, पिटोट ट्यूब। तो पिटोट ट्यूब आप देख रहे होंगे कि एरोप्लेन में फिक्स है, ठीक है, एरोप्लेन में लगा हुआ है। तो स्पेशली ये क्या है, आपकी एयर की वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं आप पिटोट ट्यूब का, ठीक है। तो आप किसी भी, जैसे मान लीजिए आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो एरोप्लेन की ये क्या दिखाएगा, एरोप्लेन की वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की क्या है, वेलोसिटी को मेज़र करता है ये। तो हम एरोप्लेन में इसलिए इसको यूज़ करते हैं, स्पेशली यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, हम एयर में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। एरोप्लेन में क्या होता है, एरोप्लेन एयर में मूव कर रहा होता है। तो एरोप्लेन एयर में मूव करने के वजह से क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो एक पिटोट ट्यूब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप यूज़ करके आप एयर की वेलोसिटी को, या कहें आप अपने प्लेन की वेलोसिटी को, आप इजली मेज़र कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑफ पिटोट ट्यूब। अब बात करेंगे पिटोट ट्यूब के बारे में। तो इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करने वाले हैं वो है आपके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो पिटोट ट्यूब इज़ आल्सो नोन एज अ इंसर्शन मीटर। इंसर्शन मीटर क्या है, मीन्स एक तरीके से किसी भी इक्विपमेंट की, या कहें किसी की पर्टिकुलर वेलोसिटी मेज़र कर रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके का इंसर्शन मीटर है। मतलब क्या है, इस ट्यूब के अंदर मीटर अरेंज होता है, मीन्स जिससे क्या है, आप वेलोसिटी इजीली मेजर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ओनली इक्वेशन, वेलोसिटी हेड्स ऑफ द फ्लूड मे बी ऑब्टेन यूजिंग दिस इक्वेशन। तो पिटोट ट्यूब में भी क्या है, आप फ्लो रेट या कहें वेलोसिटी को आप मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी क्या है, वन ओनली इक्वेशन अप्लाई होगी। वन ओनली इक्वेशन अप्लाई होगी तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, डेल्टा एच पी यू। यू मीन्स वेलोसिटी है आपके पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट की आपको वेलोसिटी मेजर करना है। डेल्टा एच क्या है आपकी, डेल्टा एच है आपकी प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक, जो प्रेशर डिफरेंसेस आप मेज़र करेंगे बाय यूजिंग ऑफ मैनोमीटर, ठीक। और जी मींस ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इजीली प्रेशर डिफरेंसेस मेज़र कर सकते हैं, और जिससे क्या है, आप वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं, ठीक। तो हम बात करेंगे पिटोट ट्यूब की। तो पिटोट ट्यूब अरेंज कैसे होती है, मीन्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी जो ऊपर वाला ये पोर्शन जो दिया है, ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन पिटोट ट्यूब है, और इस पिटोट ट्यूब के नीचे अरेंज होता है आपके मैनोमीटर, जिस मैनोमीटर में आप प्रेशर डिफरेंसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब प्रेशर डिफरेंसेस किस टाइप का आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स प्रेशर डिफरेंसेस, प्रेशर ऑफ स्टैगनेंट, दो प्रेशर इसमें मेजर करते हैं आप, प्रेशर ऑफ स्टैगनेंट, दूसरा प्रेशर होता है प्रेशर ऑफ द बेंड, ठीक है। दो प्रेशर मेजर करते हैं, प्रेशर ऑफ स्टैगनेंट, दूसरा प्रेशर एट द बेन, प्रेशर ऑफ द बेन, ठीक है। तो दो प्रेशर को हम मेज़र करते हैं। उसका रीज़न क्या है दो प्रेशर को मेज़र करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी जो पिटोट ट्यूब होती है, पिटोट ट्यूब में दो पाइप इंसर्ट होते हैं, मतलब दो पैरेलल ट्यूब्स इंसर्ट होती हैं। तो दो पैरेलल ट्यूब इसमें अरेंज होती हैं, उन दो पैरेलल ट्यूब में क्या है, अलग अलग प्रेशर्स जनरेट होते हैं, और उन प्रेशर डिफरेंसेस को हम मेज़र करते हैं बाई यूजिंग ऑफ मैनोमीटर, ठीक है। तो देखेंगे फर्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, पिटोट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ सेंसिंग एलिमेंट्स विथ अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपेयर टू द साइज ऑफ द फ्लो चैनल। मतलब क्या है, पिटोट ट्यूब एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम अरेंज करते हैं जहाँ का हमें वेलोसिटी देखना है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी अगर मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वहाँ पे क्या है, हम पिटोट ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। तो पिटोट ट्यूब में क्या होते हैं, पिटोट ट्यूब में एक सेंसिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। सेंसिंग एलिमेंट होता है जो क्या करता है, हवा की वेलोसिटी को, या कहीं एयर की वेलोसिटी को सेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मींस आप एयर में किस स्पीड से आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को एयर के कंपेयर में, कंपेयर टू एयर के आपको ये इंस्ट्रूमेंट आपको वेलोसिटी दिखाता है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, ठीक। व्हेन द सेंसिंग एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स एयर, एयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज इंक्रीज। मतलब क्या है, अगर सेंसिंग एलिमेंट्स को हम इंसर्ट कर दें सेंटर में,
ठीक है, जहाँ से आपकी एयर एंटर हो रही है, तो वेलोसिटी फ्लूड की क्या होगी, फ्लो की, जो फ्लो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द टू ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द लेग ऑफ द मैनोमीटर, मीन्स जो आपका मैनोमीटर होता है वहाँ पे क्या है, दो ट्यूब्स कनेक्ट होती है। मतलब क्या है, आपका जो जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अभी मैं दिखाने वाली हूँ किस तरीके का दिखता है आपका इंस्ट्रूमेंट। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, मीन्स जो आपकी पिटोट ट्यूब है, वो पिटोट ट्यूब में दो पैलर ट्यूब्स अरेंज होती हैं। वो दोनों पैलर ट्यूब की जो नीचे का जो पोर्शन होता है, लास्ट पोर्शन होता है, वो लास्ट पोर्शन क्या है, आपके मैनोमीटर से अरेंज होता है। और उस मैनोमीटर के थ्रू आप प्रेशर डिफरेंसेस ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ऑफ स्टैगनेंट स्टैगनेंट लेयर, और दूसरा प्रेशर क्या था, प्रेशर ऑफ द वेंट। ये दोनों प्रेशर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ डायग्राम में देखेंगे, वर्किंग देखने से पहले आप डायग्राम में यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पिटोट ट्यूब दिया है। ठीक है, तो पिटोट ट्यूब में जैसे हम बात कर रहे थे कि दो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, तो दो ट्यूब्स आप देख रहे होंगे कि एक ट्यूब यहाँ पे ये आपकी अरेंज है, ठीक है, ठीक, ये ट्यूब, ठीक है, और दूसरी ट्यूब ये है। ठीक, अब ये जो ट्यूब्स अरेंज हैं, ठीक है, ये दो ट्यूब्स अरेंज हैं, तो ये ट्यूब्स जो अरेंज है, अब इन ट्यूब में हम क्या देखेंगे, प्रेशर डिफरेंसेस मेजर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, हमें अपनी वेलोसिटी निकालनी है, मींस हम किसी प्लेन में अगर पिस्टोन ट्यूब को अगर इंसर्ट किया है, तो हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेशर डिफरेंसेस मेजर करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ स्टैगनेंट। प्रेशर ऑफ स्टैगनेंट मीन्स क्या है कि आपकी ये जो ट्यूब अरेंज है, आप ट्यूब देख रहे होंगे, एक ट्यूब का जो माउथ है वो यहाँ पे क्या है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे मैनोमीटर अरेंज रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे मैनोमीटर अरेंज रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्यूब का ये है और एक ट्यूब का पोर्शन ये है। अब क्या है, आपके जैसे मान लीजिए एरोप्लेन हवा में, एयर में मूव कर रहा है, हवा में जब मूव कर रहा है, तो आपकी पिटोट ट्यूब क्या है, एरोप्लेन के बाहर की तरफ इंसर्ट है। तो यहाँ पे क्या है, एयर, कुछ एयर आपकी ट्यूब की जो फर्स्ट ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर एंटर करेगी, ये वाली जो ट्यूब है इसमें क्या है, एयर एंटर करेगी। ठीक, जब एयर इसके अंदर एंटर करेगी, तो कब तक एंटर करेगी, जब तक क्या है, ये एयर से पूरी भर नहीं जाती। ठीक है, जब एयर से पूरी भर जाएगी, तो क्या होगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंटर करना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एयर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस वजह से क्या है, बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, अंदर की तरफ नहीं जा रहा पा रहे हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या होंगे, सारे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ यहाँ स्टैगनेंट हो जाएंगे। स्टैगनेंट मीन्स इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, जब एक स्टैगनेंट हो जाएंगे, उनको कहीं मूवमेंट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे, एक तरीके से प्रेशर कॉज करेंगे। ठीक है, ये प्रेशर कॉज करेंगे। दूसरा क्या है, आपकी जो एयर है, मींस जो एयर आपकी मूव कर रही है, एयर में मूव कर रहा है एरोप्लेन। ठीक है, तो एयर धीरे धीरे क्या है, मूवमेंट हो रहा है जब एयर में, तो आपकी एयर धीरे धीरे क्या है, जो एयर, कुछ एयर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी और कुछ एयर नीचे की तरफ मूव करेगी, और जो सामने की तरफ रहेगी वो क्या है, पाइप के अंदर एंटर करेगी, वो क्या होगी, स्टैगनेंट। मतलब क्या है, एक खट्टी हो जा होना स्टार्ट हो जाएंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैगनेंट हो गए हैं वो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरे क्या है, आपकी ये एयर इस तरफ से पास हो रही है, जब इस तरफ से पास होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है आपके, ये कॉज करेगा प्रेशर ऑफ द बेंड, मीन्स P1 क्या है, प्रेशर ऑफ द बेंड। तो ये प्रेशर ऑफ द बेंड P1 कॉज करेगा, मतलब प्रेशर कौन सा जनरेट होगा, प्रेशर ऑफ द बेंड। तो ये कुछ क्या होगी, कुछ एयर इसके अंदर भी एंटर करेगी, कब तक एंटर करेगी, जब तक क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। इक्विलिब्रियम कैसा मेंटेन होगा, जितना प्रेशर बाहर जनरेट हो रहा है, मींस एयर का जितना प्रेशर है, और ये एयर क्या करेगी, इस पाइप की कुछ, इस पाइप के अंदर भी एंटर करेगी, तो इस पाइप के अंदर जब एंटर करेगी, तो क्या है, इस पाइप का और इस पाइप का जब प्रेशर सेम हो जाएगा, तो ये क्या है, ये एयर भी इसके अंदर मूव करना बंद कर देगी। ठीक है, जैसे ही इसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा अंदर का, तो अंदर का जब डिक्रीज होगा, तो बाहर की जो एयर है वो अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगी। तो बाहर की एयर का, जो बाहर की एयर का प्रेशर है, सेम अंदर अंदर भी वही प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जिसको कहेंगे प्रेशर ऑफ द बेंड, या कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है, तो यहाँ भी क्या है अंदर की तरफ प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो कब तक होगा, जब तक क्या है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर लेता। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा तो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी जो स्टैग्नेंट लेयर बनी हुई है, इस स्टैग्नेंट लेयर और इस पॉइंट पे भी प्रेशर बना हुआ है, तो दोनों के प्रेशर को हम क्या करेंगे यहाँ पे मैनोमीटर के थ्रू मेज़र कर लेंगे। कैसे मेज़र होगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपकी एयर भरी हुई है तो ये प्रेशर यहाँ पे मेंटेन रहने वाला है। अब क्या है, आपकी ईयर ये सर्कुलेट हो रही है, इस तरफ भी मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ भी मूवमेंट हो रहा है, तो क्या है इस ईयर के अंदर, इस ट्यूब के अंदर ईयर आपकी इंसर्ट होगी। जब इंसर्ट होगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूवमेंट होगा। ठीक है, जब मैनोमीटर के अंदर ये ईयर इंसर्ट होगी तो यहाँ पे क्या है मैनोमेट्रिक फ्लूड में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस मैनोमेट्रिक फ्लूड में जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मेज़र कर लेंगे। मेज़र कैसे करेंगे, यहाँ एक डायग्राम देख रहा है, यहाँ क्या करेंगे, ये हाइट जो ऊपर जो आपका ये स्टैग्नेंट पॉइंट स्टैग्नेशन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ वाला ये स्टैग्नेशन पॉइंट है, इस पे क्या है ये आपके जो मैनोमीटर लगा हुआ है मैनोमीटर ट्यूब के अंदर ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा फ्लूड। तो हम क्या करेंगे, कितना मूवमेंट हुआ फ्लूड में, मैनोमेट्रिक फ्लूड में, तो उसको मेज़र कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ हाइट। एच एच से क्या है हम मेज़र कर लेंगे जितना मूवमेंट हुआ आपके फ्लूड के अंदर, उस हाइट से हम इजीली प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र कर सकते हैं इन पिटोटिक ट्यूब में। तो इस जब प्रेशर डिफरेंसेस हम मेज़र कर लेंगे तो ईजिली हम वेलोसिटी भी मेज़र कर सकते हैं ऑफ ऑफ एट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑफ पिटोट ट्यूब। ठीक है, मे ईजिली मेज़र कर सकते हैं हम वेलोसिटी। ठीक है, तो वर्किंग हम बात करें तो पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेज़र द वेलोसिटी हेड ऑफ फ्लो। मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर हमें मेज़र करना है, वो क्या है एयर में अगर मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उसकी हमें वेलोसिटी मेज़र करना है। हम एयर की वेलोसिटी मेज़र नहीं कर रहे हैं, हम जो ऑब्जेक्ट हम मूव कर रहे हैं एयर में उसकी वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑफ पिटोट ट्यूब। ठीक, कैसे मेज़र करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है पिटोट ट्यूब में आपकी पैरेलल ट्यूब अरेंज होती है, और उन पैरेलल ट्यूब में जो आपके प्रेशर डिफरेंसेस कॉज हो रहे हैं उन प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र करके आप इजीली पिटोट ट्यूब के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एयर की वेलोसिटी या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो एयर में मूव कर रहा है। ठीक, डिफरेंसेस इन हेड बिटवीन टू ट्यूब्स गिवन वेलोसिटी हेड डेल्टा एच। तो क्या है ये प्रेशर हेड मींस प्रेशर डिफरेंसेस दिखाएगा डेल्टा एच, और इस डेल्टा एच का यूज़ करके फॉर्मूले में आप मेज़र कर सकते हैं वेलोसिटी। ठीक, ट्यूब एट अ राइट एंगल ऑफ अ फ्लोर मेज़र प्रेशर हेड ओनली। ठीक है, ट्यूब क्या है राइट एंगल पे लगी होती है, राइट एंगल मींस जैसे आपने देखा है ट्यूब क्या है बैंड है, तो बैंड कितने पे है राइट एंगल पे है, तो इसके थ्रू क्या है आप प्रेशर डिफरेंसेस को इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक, द ट्यूब दैट पॉइंटेड अपस्ट्रीम मेजर प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड, मींस जो अपस्ट्रीम मींस सामने की तरफ जो ट्यूब है जहाँ पे क्या है स्टैग्नेंट फॉर्म हो रहा था, यहाँ देखेंगे ये जो आपकी ट्यूब है इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ट्यूब है ये ट्यूब, तो यहाँ पे क्या है स्टैग्नेशन हो रहा है, तो ये क्या है आपकी अपस्ट्रीम ट्यूब है। ठीक, और ये क्या होगा आपका डाउनस्ट्रीम वाला पोर्शन होगा, ये डाउनस्ट्रीम वाला होगा। ठीक है, और ये क्या है आपकी अपस्ट्रीम है। ठीक है, तो द डिफरेंस इन द एबव रीडिंग्स इंडिकेट द वेलोसिटी हेड, मींस जो डिफरेंस आपकी कॉज होगा वो क्या दिखाएंगे, इंडिकेट करेंगे वेलोसिटी हेड। मतलब जो प्रेशर डिफरेंसेस आप मिलेगा तो प्रेशर डिफरेंसेस आप इजीली वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, एयर की वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट आपका एयर में मूव कर रहा है। ठीक, तो इसके लिए ये आपको फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करके ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से क्या है आप वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की, मतलब जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कॉज हो रहा है उस पॉइंट की आप वेलोसिटी मेज़र कर लेंगे। वेलोसिटी मेज़र करने के बाद ईजिली आप जो एक्चुअल वेलोसिटी है उस एक्चुअल वेलोसिटी को आप मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ कोफिशिएंट। ठीक, तो इस फॉर्मूले से आप ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे वेलोसिटी। ठीक, एडवांटेज क्या है, पिटोट ट्यूब मेज़र द वेलोसिटी एट वन पॉइंट ओनली। मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपका हवा में या कहीं एयर में मूव कर रहा है उस पॉइंट पे क्या है आप वेलोसिटी को मेज़र कर सकते हैं, तो केवल वन पॉइंट पे आप वेलोसिटी को मेज़र कर सकते हैं। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है, द पिटोट ट्यूब देमसेल्व्स कॉज मोर डिस्टरबेंस। पिटोट ट्यूब मोर डिस्टरबेंस कॉज करती है क्योंकि ये क्या है आपके प्लेन में बाहर की तरफ लगी होती है और एयर इसके अंदर मूवमेंट कर रही होती है।
ठीक है, तो ईयर के मूवमेंट की वजह से और प्रेशर डिफरेंसेस चेंजेस की वजह से ईयर के जो ईयर जो प्रेशर डिफरेंसेस कॉज हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। एडीज विथ इन द प्रेशर ट्यूब डिस्टर्ब द रीडिंग्स, मतलब क्या है, ईयर मूव कर रही है तो क्या है, ईयर के मूवमेंट की वजह से ट्यूब के अंदर एडीज भी फॉर्म होगी, मतलब क्या है, एक तरीके से ईयर मॉलिक्यूल्स या कहें ईयर ईयर की खाली पॉकेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिनको कहते हैं हम एडीज, तो ईयर पॉकेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे अंदर, तो ईयर पॉकेट्स के वजह से भी क्या है, रीडिंग में डिस्टरबेंस आता है। तो एग्जैक्ट आपको वेलोसिटी मेजर नहीं कर पाते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट भी है ये, दे डू नॉट गिव एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली, मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी हम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, एडीज फॉर्म होती हैं, एडीज फॉर्म होने की वजह से आप रीडिंग्स लेने में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है मैनोमीटर के अंदर, ठीक है, तो जिससे क्या है, एवरेज वेलोसिटी आप नहीं लगा निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ एक वेलोसिटी, आप पर्टिकुलर वेलोसिटी तो मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन आप वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं कि कितना वेलोसिटी होगी आपकी ऑब्जेक्ट की एयर के अंदर, ठीक। फॉर गैसेस द रीडिंग्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब गैसेस के लिए आप पिटोट ट्यूब को यूज़ नहीं कर सकते हैं, एयर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक कोई गैस के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रीडिंग क्या होती है, स्मॉल होती है, इसलिए आप इसको गैस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, थैंक यू सो मच।